इतनी दूरी हमसे। अब आपके दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं है क्या? इस दिल ने सिर्फ आपको दिल दिया, किसी और के लिए जगह का सवाल ही नहीं आता। अब अगर दोबारा उस पूजा के पास भागकर गए ना तो देख लीजिए। मैंने सिर्फ पूजा से ही प्यार किया तो मुझे मुझे बार बार उस पेला का ख्याल क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? जी जी हुँ? वो देखिए, वो बेडशीट वहां से कोने से ठीक से नहीं बिछी। चाची जी, इस वक्त तो घर पे सब सो रहे हैं, पता नहीं कौन हो सकता है। मैं तो रेडी हूँ। मैं भी रेडी। ऐसा करते हैं कि मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ और आप सब लोग चोर पर अटैक कर दीजिएगा। ओके गुड। मामू, असल में पूजा से कुछ काम था, मैं दो मिनट के लिए प्लीज लेकर जाऊं। लेकिन तू ठीक तो है आंटी जी? हाँ, पूजा के यहाँ होते हुए सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? नरेन, अब आप कमरे में जाइए, बहुत रात हो चुकी है, सबको सोने दीजिए। सोचो सबको सोने दो ना, तुम मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे बहुत जरूरी काम है। ओहो, come on sweetheart, अब इतना भाव भी मत खाओ। Look at his face, poor boy. जानती हो, अगर हार्दिक इतनी रात को इस तरह आए होते मैं तो immediately भाग गई होती। नहीं, ये क्या बचपना है, बीच रात ऐसे कमरे में आ जाना, सबको परेशान कर दिया। और मैं परेशान हो रहा हूँ उसका कुछ नहीं। क्या हुआ नरेन, फिर से दिल घबरा रहा है? तुम सब जानती हो, फिर भी मुझे अकेले छोड़कर आ गई। आप अकेले नहीं है नरेन, बस अभी मैं आपके पास नहीं। नरेन, अभी अभी तो आप बीमारी से उठे हैं, पूरे दिन आप रेस्ट करते नहीं और रात भी खराब कर रहे हैं। चलिए अब शांत मन से सोने की कोशिश कीजिए, ठीक है? गुड नाइट। नरेन, आप ही मुझसे कहते हैं ना कि डर से जीतने के लिए डर का सामना करना पड़ता है, और दुनिया में ऐसा कोई डर नहीं जो मेरे नरेन के दिल को दहला सके, है ना? तुम्हें तो मेरी स्पीच राइटर होना चाहिए था।
कुछ भी करके अपनी बातों में मुझे फंसा ही लेती। बीवी हूँ, इतने सालों में इतना तो समझ आ ही जाना चाहिए। अब बाकी की लड़ाई कल सुबह करते हैं, अभी बहुत लेट हो गया है, सो जाइए। मुझे नरेन, सो जाइए, बहुत रात हो गई है। देख लो पूजा, तुम नहीं तो तुम्हारी साड़ी से काम चलाना पड़ रहा है। मोरा पिया। सब हंसेंगे मुझ पर, पर मुझे मत कहना। पता नहीं नरेन को ठीक से नींद आई होगी भी या नहीं, एक बार जाकर देख लूं क्या। हाँ बेटा, तो अब क्या काम है पूजा से? वो बुआ, मैं पानी लेने आया था। अच्छा, पानी। सो लास्ट आई रिमेम्बर फ्रिज किचन में हुआ करता था, राइट? बुआ, पूजा को आप सबके साथ रहना जरूरी है क्या? वो मेरे साथ नहीं रह सकती। मैं दादाजी से कह दूंगा कि पूजा मेरे साथ ही रहेगी। नरेन, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो नियम है वो तो फॉलो करने ही है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम मेरे साथ ही रहोगी, नहीं तो मैं यहाँ कमरे के बाहर ही खड़ा रहूंगा। बुआ जी, माँ, मैं 5 मिनट में आऊं। क्या हो गया है आपको नरेन? सबको कितना परेशान करेंगे आप? अभी तो एक बार मैं बात नहीं मानता, बार बार कह रहा हूं कुछ बेचैनी सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वो पीला भी हमारे कमरे में है। तुम वो की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन बेला तो इस घर से जा चुकी है, तो फिर उसका हमारे कमरे में वापस लौट कर आना सवाल ही नहीं उठता। आप बस जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं नरेन बाबू, और जितना सोचेंगे उतनी बेचैनी बढ़ेगी। तो बस इस दिल पर भरोसा कीजिए और इसे अपना बना लीजिए, फिर देखिएगा सहन में कभी कोई बुरा ख्याल नहीं आएगा। नरेन, आप सुन रहे हैं ना? आपको हमारे प्यार पर भरोसा है ना? तो बस फिर
हमारे प्यार को अपने दिल में बसा कर रखे और आराम से सो जाइए, ठीक है? तो फिर मैं जाऊं? साड़ी तो कभी दुपट्टा। ओके जी बाबा। अरे जब से तू आई है तूने अपना हालचाल ही नहीं सुनाया। दामाद जी कैसे हैं? अरे तू ससुरे में खुश तो है ना? बाबा, तुमको खाने के बीच में बात करने की आदत अभी तक गई नहीं है। चलो मुंह खोलो, तुम खाना खाओ, हम गरम गरम फुलका लेकर आते हैं। ठीक है। हमें खुशी तब मिलेगी बाबा जब हम अपने ससुराल वालों को राख करेंगे। प्रवीण जी का दिल जो अभी उस नरेन बाबू के अंदर लगा है उसे तार तार करेंगे। देख लो अम्मा, हमारे ससुराल वालों ने तो हर बेटिया को का से का बना दिया। कैसे भूल सकते हैं उस दिन को? लेके आए से जल्द चल, तमाशा खत्म हो। बाबा अब चलिए, घर भी तो चलना है ना। अब क्या है, घर पर सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। अब नई बहुरिया की रस्में भी तो हैं। आइए। इस समय हम बाबा को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अरे अब जो हुआ उसका हमको भी बहुत ही अफसोस है। हम क्या कर सकते हैं? अब विधि का विधान है, जो होना था वो हो गया। वो क्या है ना, तुमको भी तो हमारा घर संभालना है ना। अब क्या कर सकते हैं, अब ससुर जी को भी तो अकेले रहने की आदत डालनी ही पड़ेगी। देखिए हमें दो दिन बाबा के पास रह लेने दीजिए, हम फिर आ जाएंगे। घर चलो मतलब घर चलो। कौन सा आपके तस्वीर बहाने से आपकी अम्मा जी लौट आने वाली हैं? अरे चलिए मैडम, यहाँ आइए। बाबा आप काहे कर रही हो ऐसा? नहीं नहीं बाबा जो जी सुनिए, हमको बाबा के पास जाने दीजिए, वो उनको जीने नहीं देंगे। प्रवीण जी हमें जाने दीजिए बाबा के पास। जी अरे आपके सुई का एक कई कांटे पर अटक गए का? अरे मायके के टंटे ना भी मायके वाले पे छोड़ दीजिए। चलिए प्रवीण जी, कम से कम हम अपने कंगन बाबा को दे देते, कुछ मदद हो जाएगी। प्रवीण जी हम आपके हाथ जोड़ पाठ करते हैं बेटा जी। कंगन तो हम अपने सुहाग राज को उतारेंगे ना। एक बेटी को तड़पा कर अच्छा नहीं किया आप लोगों ने। अब यही बेटी आपके मौत का कारण बनेगी। बेला, तुम्हें इस घर में या इस दिल में पूजा की जगह कभी नहीं लेने दूंगा मैं।
पहुंचने के लिए। अब मेरे ख्यालों को भी तुमसे होकर गुजरना होगा पूजा। देख लो पूजा, तुम्हारे बिना नींद भी बेवफाई करने लगी है। वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ सो रहा हूँ? आपको मैंने पूरे घर में ढूंढा, ढूंढते ढूंढते वॉचमैन से पता चला कि आप गाड़ी में। आप भी ना नरीन, कमरे में क्यों नहीं सोए? पूजा, वो कमरा हमारा है और तुम्हारे बिना अकेले कैसे सो जाऊं? अब तो जब तुम उस कमरे में आओगी तब भी मैं उस कमरे में लौटूंगा, और तब तक के लिए अपने सोने का सेटअप तो सेट है बस। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं, नहीं तो सब ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच जाएंगे। तुमने मनमानी नहीं करने देने वाला तुम्हें, आज पूरे दिन तुम्हारा हाथ पकड़ के ही रहूंगा। तुम हमें अपने घर से भले निकाल दियो पूजा, लेकिन हम लौटेंगे और खुद प्रवीण जी का दिल हमें बुलाएंगे। हेलो, कैसी हैं आप? कुछ काम था बेला जी? हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, लेकिन पूजा जी हमारा यकीन मानिए, हमने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी कहा वो अपने पति के दिल के मुंह में किया। हमारा नरेन बाबू से कोई लेना देना नहीं है। एक आखिरी बार हमें माफ कर दीजिए, जो हुआ उसे भूल जाते हैं। वैसे भी आप अपने घर में खुश और मैं अपने। जी शुक्रिया। पूजा जी एक अर्जी थी। हमने सुना है कि आपके घर में भागवत का पाठ बैठा है। हम ठहरे हैं भागवत। अगर हमारे हाथ के बने हुए लड्डू का भोग अगर ठाकुर जी को लग जाए तो हम निहाल हो जाएंगे पूजा जी। ठीक है बेला जी, मैं किसी के हाथों आपके घर से प्रसाद मंगवा लूंगी। पूजा जी इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारी सहेली है वो जाकर डब्बा दे आएगी आपके घर पे। अच्छा हुआ जो तुम दोनों आ गए, पूजा को भी अच्छा लगेगा। चलो अब जल्दी से अंदर चलो और दी के ससुराल के कामों में जुट जाओ। बिल्कुल दी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जी सुनिए। जी ये भोग का प्रसाद है, बेला जी ने भेजा है, पूजा जी को देना था, आप उन तक ये डब्बा पहुंचा देंगे? जी शुक्रिया। रेचल, ये डब्बा पकड़ो, मैं दी को बुला के लाता हूँ। रेचल एक मिनट के लिए आना। हाँ सुरभि दी, एक मिनट आई। Thank you.
अब लौंग इलायची के बाद प्रवीण जी के दूसरे कमजोरी को हांकने का वक्त आ गया है। और ये भांग का लड्डू खाकर प्रवीण जी जो छोड़े, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते नरेन बाबू। भागवत की जगह मचेगा हुड़दंग। हमें बेला के घर से आए हुए मिठाई के डब्बे को हटाना होगा। चलो। रेचल, रेचल। हाँ अनुज। वो डब्बा कहाँ है? वो डब्बा तो मैंने यहीं रखा था। ऐसा डब्बा जो मैंने तुम्हें दिया था, वो कहाँ है? इनमें से कोई होगा। ये सारे डब्बे तो एक जैसे हैं। हमें सारे डब्बे चेक करने होंगे। इससे पहले कोई भांग वाले लड्डू खा ले, हमें वो डब्बा ढूंढकर फेंकना होगा। सॉरी अनुज, मुझे वो डब्बा यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। कोई बात नहीं रिचल, लेकिन अगर वो डब्बा घर में ही है तो फिर जाएगा कहाँ? मोतीचूर के लड्डू नरेन को बहुत पसंद है। कहीं वो लड्डू फंदा सिर्फ आपके खातिर नहीं है प्रवीण जी, आपके साथ साथ सजा उन्हें भी मिलेगी।